अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हो? बाबर बसरी किचन में खुश आमदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक वेटनरी डॉक्टर साहब के साथ है, जो एनिमल का डॉक्टर है। तो उनसे पूछते हैं कि जो एनिमल्स को क्या, किस बीमारी पे कौन सी मेडिसिन लगती है। तो आइए हमसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद उमर अलियास। डॉक्टर साहब, कौन सी जगह पे आपका है ये क्लिनिक है? ये मेरा क्लिनिक है डेलरा चाकंदू रोड पे। जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, कौन सी, हमको थोड़ा गाइड कीजिए कि जानवरों को कैसे जो एनिमल्स में सबसे पहली बात है ना, वो दो या तीन तरह के पिलर्स हैं हर कोई भी चीज़ है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मैनेजमेंट आ जाती है, और मैनेजमेंट के साथ साथ दूसरी चीज़ जो है ना वो वैक्सीनेशंस है। वैक्सीनेशन वो चीज़ है जो कहते हैं, एक तो है वो जब बीमारी आ गई है तब उसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट बीमारी आने से पहले जो उसकी हफाजती इकदाम के लिए जो शॉट्स या इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। ताकि हमें अब ये पता है कि इस सीजन में मौसम गर्मा में ये बीमारी आनी है, उससे दो या तीन मंथ पहले हमने उसकी वैक्सीनेशन कर देनी है ताकि एनिमल उससे बिल्कुल क्योर रहे। ठीक है। सेकंडली बात जो है, आया कि भी हमारे पास जो वैक्सीनेशन है वो हम किसी तरीके से मिस कर चुके हैं। वैक्सीनेशन के बाद फिर उसके बाद डिजीज का अटैक हो गया। डिजीज का अटैक होने के बाद उसकी फिर आ जाती है डायरेक्टली ट्रीटमेंट। उस कंडीशन में हम उसको वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। अगर उस कंडीशन में हम वैक्सीनेशन करेंगे ना, तो तब जाके जो उसके बीमारी के साथ बजाय उसने रिकवरी के बजाय वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। मतलब एनिमल नियर टू डेथ, नियर टू एक्सपायरी के करीब पहुंचेगा। ठीक है। उसमें हम, जैसा कि अभी मेरे पास एक पेट्स का केस आया, उसमें भी ये क्या कंडीशन क्या थी, जो ओनर हिस्ट्री थी उससे हिस्ट्री टेकिंग से हमें ये पता चला कि वो नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल था। अब उसको जो जॉइंटस की डिजीज थी उसका अटैक था। जॉइंटस मीन हेपेटाइटिस कह सकते हैं। जो हेपेटाइटिस है उसमें बेसिकली होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, जो जिगर होता है जानवर का उसकी स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है। जो बकायदा ग्लैंड्स होते हैं उनका अखराज नहीं होता। जब उनका अखराज नहीं होगा, जो अब जो एक है हमारा लीवर है बॉडी में, दूसरा है स्टोमिक है मतलब मेदा, दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोरिलेट है। जब ये दोनों कोरिलेट है ना, सपोज किया अगर कोई फॉल्ट लीवर में आ गया, जिगर में आ गया, तो वो उसका मतलब है कि अल्टीमेटली उसका जो स्टोमिक है वो प्रॉपर फंक्शन प्ले नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। अब उसमें जब वो प्रॉपर फंक्शन प्ले नहीं कर पाएगा, उसमें ना तो खुराक हजम हो सकती है, ना जो एनिमल है ना मतलब जी भर के खाना खा सकता है, ना मतलब वो फीडिंग अपनी कर सकता। सेकंडली जो बात, फिर उसकी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में ये है कि उसके साइन सिम्टम देख के, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि ये इसकी जो डिसकलोरेशन ऑफ टीथ है ना, वैसे जो टीथ का कलर है वो होना चाहिए वाइटिश कलर, उसमें जो है वो येलोइश कलर आ चुका है। उसका जो स्लाइवा, जो उसका थूक है, मतलब उसमें से स्मेल आ रही है। उसमें स्मेल आने का मतलब ये है कि उसमें मेदे में इशू है। सेकंडली अब इसकी जो ट्रीटमेंट की तरफ है, ट्रीटमेंट में ये सबसे पहले हम उसको मतलब कोई भी ऐसा लीवर टॉनिक का मतलब कि जो उसके लीवर को अच्छे तरीके से प्रॉपर फंक्शन की तरफ लेके आएगा, वो चीज़ देंगे। वो चीज़ देने के बाद वो ऐसा ऐसा वर्क करना शुरू हो जाएगा। सेम लाइक ऐसे ही होगा जैसे जो जिगर है, जो लीवर है वो बिल्कुल फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद वो ऐसा ऐसा जो अपने प्रॉपर ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करना शुरू हो जाएगा। सिक्रीट करने के बाद जो जानवर के एक खाने पीने की, एक फीडिंग करने की जो एबिलिटी है वो मजीद बढ़ती जाएगी। जब वो एबिलिटी बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ, जैसे अभी देखा आपने कि एनिमल जो है वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड था। डिहाइड्रेटेड से मुराद ये कंडीशन कि उसमें शदीद पानी की कमी थी। उसको हम साथ ही एक तो मतलब फ्लूइड थेरेपी करेंगे। फ्लूइड थेरेपी करने के बाद साथ ही उसको ड्रिप्स वगैरह की फॉर्म में, और साथ उसका ट्रीटमेंट चलेगा। जो ही ऐसा ऐसा ये तीन से चार दिन का ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट होने के बाद आपको वही जो डे वन पे साइन सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं वो ऐसा ऐसा रिकवर होते जाएंगे। जिसमें सबसे पहले जानवर डलनेस था, बहुत ज्यादा डल था, सुस्ती पड़ी हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाएगा। जब वो रिकवर होगा, रिकवर होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करे वो अपने मुकम्मल इलाज की तरफ आ जाएगा। ये जो अभी केस है ये इसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन थी। दिखाते हैं जो केस है वो, जिसको ड्रिप लगी है वो डॉग को, अब वो बेहतरीन हालत में आ गया। पहले जब वो आया था तो वो बिल्कुल बिल्कुल डल था, बिल्कुल मतलब जो ही ड्रिप लगाई है, फ्लूइड थेरेपी की है, विद इन मतलब 1 to 2 hours उसकी जो कंडीशन है वो काफी बेहतर हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाएंगे फार्म में,
जो फार्म में जानवर होंगे उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके जो न्यूट्रिशन है उसके रिलेटेड, उसके अलावा जो डेली बेसिस पे अगर एक फार्मर है उसने जानवर रखे हुए हैं उसने किस तरीके से उनको मैनेज करना, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ उसमें किस तरह से आना है, कौन सी चीज़ें जो उसको प्रॉफिट की तरफ लेके आ रही है और कौन सी चीज़ें जो उसको लॉस की तरफ लेके आ रही है, ये जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें हम आपके साथ ये सारा प्रॉपर ए टू जी सारी उसकी मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन के हिसाब से डिस्कशन करेंगे। ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहरे हवानात डॉक्टर मोहम्मद उमैर। अभी हम आपके सामने ये केस है एक पेट्स का, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल शिफा वेटनरी क्लिनिक मिलरा ये मैं रन कर रहा हूँ और डेली बेसिस पे मेरे पास 15 से 20 जो पेट्स के केसेस है ना वो आ रहे हैं। और अभी मैं आपके सामने जो डिस्कस कराऊँगा वो ये है कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में एक पेट्स है वो हमारे पास मौजूद है। ये भाई हमारे पास चंडीगढ़ से मौजूद आए हैं देखे। अब इसमें जो साइन सिम्टम या जो कंडीशन नज़र आ रही है उसमें सबसे पहली बात तो ये है जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा डल है। डल होने के बाद दूसरी सिचुएशन ये है कि इसके जो टीथ की कलर है वो डिसकलोरेशन हो गई है, यानी येलोइश कलर है, जिससे ये साइन सिम्टम डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि इसके स्टामिक में कोई ना कोई इशू है। सेकेंडली जो बात है उसमें जो मतलब ऑनर इसकी हिस्ट्री बता रहा है उसके मुताबिक ये सिचुएशन है कि उनका कहना ये है कि तकरीबन एक माह से ये ऑफ फीड है, मतलब खा भी कम रहा है, कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा, ठीक है। एक रूटीन के मुताबिक जो डेली लाइफ पे चलता है वो काम नहीं कर जाता, इस वजह से ये मेरे पास चेकअप करवाने के लिए आए हैं। और सेकंडली अभी जो इसका ट्रीटमेंट है वो 3 से 4 दिन जारी रहेगा और मज़ीद आगे हम आपको नेक्स्ट पेज पर इसका बताते हैं। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਮੁੰਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਮੁੰਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੋਈ ਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਉਂ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਇੱ